आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला अपने मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से अपने आप खुद ही कैसा इलाज करना, और वो भी इलाज जैसे मैंने पहले बताया था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, फोबिया, एंगर, अपसेट, इसका इलाज कैसे करना। आप CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से यह इलाज अपने आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। अब यह कैसे करना वो हम देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, यह वीडियो आप बार बार घुमा घुमा के देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप घर बैठे बैठे कहीं ना जाते हुए आप घर में इलाज कर सकते हैं। क्या होता है कि आपको डिप्रेशन है, आपको एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, फोबिया है, अपसेट है, जो भी कुछ है, इससे सभी से आपके फैमिली के ऊपर असर होता है, परिवार के ऊपर असर होता है। परिवार के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके परिवार के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लोग गुस्सा करेंगे घर के घर में, संबंध खराब हो जाते हैं। वैसे ही बाहर आप आना जाना बंद कर देते हैं, सोसाइटी में आना जाना बंद कर दे, सोशल रिलेशनशिप खराब हो जाती है, लोगों को कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, वहां से भी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। आपका वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हो, वहां भी आप जाते नहीं हो, काम ठीक से करते नहीं हो, कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन नहीं है, और वहां से भी फिर यदि आउटपुट नहीं निकलता है तो वहां भी संबंध खराब हो जाते हैं। आपको हो सकता है कि राजीनामा देने के लिए बोल दिया गया, या आपको बोला कि आप छुट्टी पे चले जाओ, काम पे मत आओ, या आप ही जाते नहीं काम पे, या ऐसा होता है कि पर्सनल लाइफ के ऊपर अपना खराबा हो जाता है, अपना दिमाग ठिकाने पर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन नहीं है, ठीक लगता नहीं है, सुसाइड के विचार आते हैं। अपना शारीरिक आरोग्य जो है, हेल्थ, उसके ऊपर भी असर होता है, जैसा कि आप फिर डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, थायराइड की बीमारी, वजन ज़्यादा होना, या ऐसे अलग अलग बीमारी अटैक, या अलग अलग बीमारी को आप मतलब बलि पड़ सकते हैं। ये क्या होता है कि ये जो सभी बीमारियाँ जो है ना, ये ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो जाता है, और ज़्यादातर ये थिंकिंग नकारात्मक ही होता है। एक विचार आता है और वो एक विचार, एक थॉट जो है वो नकारात्मक आ जाता है, उससे पूरा मन भर जाता है, पूरा ब्रेन वो विचारों से भर जाता है, विचार विचार सब नेगेटिव, एक के पीछे एक के पीछे एक, जैसे विचारों की एक ट्रेन लगातार, ऐसी एक मतलब ट्रेन है, वो विचारों की ट्रेन, ट्रेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं, शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग होता है, और आपको लगता है कि मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता, कंटिन्यूस थॉट्स चालू है विचारों के, सब निगेटिव है, कुछ करने की। क्या होता है कि कुछ तो भी इवेंट हो जाता है। अब CBT क्या बोलती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या बोलती है, कुछ तो भी इवेंट होता है, कुछ तो भी घटना होती है, सुबह उठने से रात को सोने तक कुछ ना कुछ घटनाएं अपने जीवन में होती रहती है। कुछ घटनाएं अच्छी होती है, कुछ घटनाएं बुरी होती है। एक्चुअली घटना अच्छी बुरी नहीं होती है, घटना घटना है, जो भी हुआ वो हुआ, हम उसको निगेटिव अर्थ लगाते हैं, हम उसको बुरा अर्थ लगाते हैं, हम उसको उल्टा अर्थ लगाते हैं, हम उसका इंटरप्रिटेशन अलग करते हैं, हम उसका मीनिंग अलग निकालते हैं। घटना घटना है, और एक निगेटिव उसको अर्थ मैंने लगा दिया, एक निगेटिव थॉट पैदा कर लिया, तो वो कब होता है कि जब मेरे मुताबिक नहीं होता, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होता, मेरा इंटेंशन पूरा नहीं होता, मेरी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा जो भी मैं चाहता हूँ वैसा पूरा नहीं हो गया, और वहाँ से फिर एक ट्रेन ऑफ थॉट शुरू हो जाती है। वहां पहले एक निगेटिव थॉट आता है और बाद में ट्रेन ऑफ थॉट्स शुरू हो जाती है, निगेटिव थॉट्स। अच्छे जो अच्छा मीनिंग समझो मैंने लगाया, अच्छा मीनिंग लगाया तो वो टिकता नहीं है। समझो किसने मुझे ऐसा बोला, अरे वाह क्या आप स्मार्ट दिख रहे हो, आप बहुत ही स्मार्ट और बहुत उत्साही आप दिख रहे हो, ऐसा किसने बोला तो मुझे लगता है फालतू मुझे मस्का लगा रहा है, ऐसा करके मैं छोड़ देता हूं। मगर किसने बोला, अरे क्या तुम कैसे मुंह लटका के खड़े हो, कितने डिप्रेस हो आप, ऐसा किसने बोला तो वो निगेटिव है, वो मेरे दिमाग में अंदर जाकर बैठ जाता है कि उसने मेरे को ऐसा बोला। किसने मेरे को अच्छा बोला तो वो टिकता नहीं है, किसने मेरे को गाली दिया तो वो अंदर घुस जाती है कि उसने मेरे को गाली दिया, उसने मेरे को बोला कि अरे आप अमिताभ बच्चन जैसे दिख रहे हो, बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हो, लगता कि मस्का मार रहा, मगर उसने गाली दे दिया वो दिमाग में जाकर बैठ जाती है, वो अंदर जाकर बैठ। तो फिर करना क्या है, जो अच्छे विचार है वो टिकते नहीं है, बुरे विचार टिकते हैं। देखिए इवेंट्स होते रहते हैं, और इवेंट्स होते रहते हैं उसको मीनिंग देते रहते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति इंसान एक मीनिंग देने वाला, एक अर्थ देने वाला एक व्यक्ति है, मशीनरी है,
वो उसको मीनिंग देते रहता है, मीनिंग देते रहता है, मीनिंग देते रहता है। मीटिंग कुछ भी हो जाता है, हम उसको मीनिंग देते रहते हैं। अब ये समझो आप उठ गए और सुबह आपको बहुत ही आदत है, बहुत ज़्यादा आदत है कि सुबह सुबह उठने के बाद में ब्रश वगैरह कर लिया और चाय पीने के समय आपको अखबार होना पढ़ने के लिए आदत है आपको, और अखबार वाला आया नहीं, आप अपसेट हो जाते हो अखबार वाला आया नहीं तो, और चिल्लाएंगे फिर उसके ऊपर लेट हो गया तो, या चाय आपको मिली नहीं क्योंकि दूध फट गया था, दूध नहीं था, दूध लाना पड़ा, आपको लेट हो गया चाय पीने के लिए, तो आप अपसेट हो जाएंगे। मतलब कुछ तो भी इवेंट हो जाता है और आप अपसेट हो जाते हैं क्योंकि आपके दिमाग के मुताबिक आपको जो चाहिए वैसा होता नहीं, और फिर चेन ऑफ थॉट चालू हो जाती है। समझे, आपने कुत्ता देखा और आपको एकदम बहुत डर लग गया। अब कुत्ता देखकर डर कैसा लग गया, कुत्ता कुत्ता है, डर कैसा लग गया, क्योंकि पीछे कहीं तभी वो कुत्ते ने आपको काटा होगा तो वो पीछे वाला याद आता है, उसको बोलते कंडीशनिंग। नहीं तो फिर वो कुत्ते ने या और कोई कुत्ते ने और आपके इर्द गिर्द में किसको तो भी काटा होगा, या आपने सुना होगा कुत्ता काटा 14 इंजेक्शन लेने पड़ रहे, तो इसलिए कुत्ता देखा कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है। कुत्ते में क्या है, कुछ नहीं है, कुत्ते कुत्ता है, मगर हमारे दिमाग में वो एकदम फटाफट 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 इम्पल्सेस आ जाएंगे। अभी समझो आप रास्ते पे से जा रहे, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है जो आपका एक दूर का रिलेटिव भी है, दोस्त भी है, वो जल्दी जल्दी में है, वो उधर से जा रहा है, आपने उसके तरफ देखा, उसने आपको देखा नहीं, आप घर पे आ रहे हैं, उसने देखा नहीं, आपने हाथ भी ऊपर किया, उसने देखा भी नहीं, उसने नमस्ते भी नहीं किया। घटना क्या हुई कि वो क्रॉस हो गया, उसने आपको नमस्ते नहीं किया, उसने आपको देखा नहीं, इतने हो गया। आपके दिमाग में क्या चालू हो गया, देखो उसने मेरे तरफ देखा नहीं, इसका मतलब वो जानबूझ के मुझे देख नहीं रहा, या जानबूझ के उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे टाल दिया। आजकल वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है, मेरा तो वैसा भी नुकसान हुआ है, धंधे में बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है, वो उसको लगता होगा कि मैं उसको पैसे मांगूंगा इसलिए उसने मेरे को टाल दिया होगा। वैसा तो बहुत वो अहंकारी व्यक्ति आजकल हुआ है, उसने मुझे जानबूझकर ऐसा किया हुआ है, वो मुझे आजकल ऐसे ही टालते रहता है, उसने पहले भी ऐसा टाल दिया था। चल हो गया ट्रेन, चेन ऑफ थॉट्स। अब यही व्यक्ति नहीं है, मुझे तो आजकल मेरे दोस्त सभी लोग मुझे टाल रहे हैं आजकल, ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको मैं अच्छा लगता नहीं क्या, मेरी प्रगति अच्छी लगती नहीं क्या, अच्छा मेरी दुर्गति हो रही है, मैं बहुत फाइनेंशियल ट्रबल में, वो उनको अच्छा लगता नहीं क्या, क्या हो क्या रहा है, लोग आजकल मुझे देखते, अच्छा कल भी उसने मुझे ऐसे ही किया था दूसरे एक व्यक्ति ने, उसने भी मेरे तरफ देखा नहीं था, मैं हरदम मैंने करना चाहिए क्या उनको, मैंने खुद ने नमस्ते करना चाहिए क्या, मैं मेरा मुझे ईगो नहीं है क्या, मैंने ईगो से लोगों को नहीं रहना चाहिए क्या, वो ईगो वाले होते हैं। चालू है चेन ऑफ थॉट्स, और वो चेन ऑफ थॉट्स लेके आप घर पे आते हो, मतलब क्या हो गया, इसमें कॉग्निटिव थॉट में ए बी सी डी ई होता है, ए बी सी डी और ई। ए मतलब क्या है कि एक्टिवेटिंग इवेंट, ए मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, ये है कि एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया कि वो व्यक्ति उधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, उसने आपके तरफ ख्याल दिया नहीं, ये हो गया इवेंट, ये हो गया घटना। अब आपका जो बी है वो है बिलीव्स, मतलब विचार अंदर के, उन्होंने क्या किया, वो जो अंदर पहले से विश्वास है, अंदर से जो बिलीफ है, अंदर जो मेमोरी बैग है, अंदर जो एक थॉट मशीन है, उसने उसको तुरंत खटाक से उसको एक गलत अर्थ दे दिया, वो है बी, कि वो मुझे टाल रहा है, और खट 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 मैन्युफैक्चरिंग जैसी मशीन चलती है वैसे हजारों थॉट्स तैयार हो गए। आदमी मुंह से जब बोलता है, मुंह से जब बोलता है तो हम 200-300 शब्द एक मिनट में बोल सकते हैं, मगर अंदर 600 से 800 शब्द एक मिनट में निकलते हैं, इतनी चेन फास्ट चलती है अंदर। बी हो गया बिलीफ, और मैंने वो बिलीफ से उसको निगेटिव अर्थ लगा दिया, ए हो गया एक्टिवेटिंग इवेंट, बी हो गया बिलीफ, अभी सी आ गया। सी क्या है, सी है इमोशंस। इमोशंस क्या हो गया, इमोशंस इमोशंस मतलब इससे मुझे बहुत दुख हो गया, मुझे बहुत निराशा आ गई, मुझे घबराहट भी हो गई कि लोग मुझे टाल रहे हैं तो मेरा कैसा होगा, मुझे लोग टालेंगे तो कैसा होगा, घबराहट भी हो गई उस समय, धड़कन भी बढ़ गई, हाथ भी कांपने लगे, अच्छा नहीं लग रहा, डिस्टर्ब हो गया मैं, इमोशंस तैयार हो गए, नकारात्मक विचार, चिंता, मेरा कैसा होगा, ये विचार और चिंता भी साथ साथ आ गई, मेरा कैसा होगा, आगे कैसा होगा, ये हरदम मुझे टालेंगे तो कैसा होगा, बाकी भी लोग टाल रहे हैं, चालू है विचार, इस साथ में इमोशंस भी नकारात्मक इमोशंस वो भी आना शुरू हो गए। तो सी हो गए इमोशंस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, सी कॉन्सिक्वेंसेस। अभी क्या हो गया कि अभी ये व्यक्ति जिसका बिलीफ जो है
वो चालू हो गया नकारात्मक विचार, सी मतलब इमोशंस कॉन्सिक्वेंसेस भी चालू हो गए उसके साथ में, अभी वो व्यक्ति घर आ गया। अब घर आ गया तो उसके दिमाग में विचार चालू है, सब निगेटिव विचार चालू है। घर आया, बेल प्रेस कर दिया, अंदर आ गया, उसकी औरत देख रही कि इनका चेहरा उतरा हुआ है, क्या हो गया पता नहीं, वो कुछ पूछने की कोशिश करती है तो ये उसके आंग पे जाता है कि मेरे को आराम करने दे, मेरे को कुछ मत पूछ। उसको लगता है कि हुआ क्या भाई इसको, तो वो चुप बैठ जाती है। उसको लगता है कि अभी उसको चाय पानी दूँ, कुछ करूँ, चाय लेते क्या, नहीं मेरे को अभी कुछ नहीं होना। उसको लगता है कि पूछा भी तभी ये चिल्ला रहा है, क्या हुआ क्या। तो वो घर के लोग जो है वो दूर होना शुरू हो जाता है, दूर हो जाते हो कि नहीं भाई ये होना है, इनके पास में गए तो ये चिल्ला रहा है, इसका मूड ठीक नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है। अब ये जब लोग उसके पास नहीं आते, दूर हो जाते, उसके बच्चे आते नहीं पास में, उसकी वाइफ उसके पास में आती नहीं कि उसको डर लग रहा है अभी आपके पास में आने का, आपका मूड देख के उनको डर लग रहा है, अभी क्या हो रहा है, फिर इवेंट हो गया ये। फिर उसने उसका अर्थ निकाला, देखो ये लोग भी मुझे अभी आजकल टाल रहे हैं, ये लोग भी मेरे तरफ ख्याल देते नहीं है, इनको भी कुछ पड़ी नहीं है, मैं क्या सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हो गया, ये मेरे को पूछते नहीं है, मजा क्या होगा दिन भर, मैं अभी थक भाग के आ गया तो मेरे को कोई पूछ नहीं रहे। फिर इवेंट हो गया, फिर उसके इमोशंस, निगेटिव थॉट्स और वो चेन ऑफ थॉट चालू हो गए, वो अंदर घुसते जाता, अंदर घुसते जाता, गोल 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 घूमना शुरू हो गया। तो एक एक्टिवेटिंग इवेंट, बी हो गया बिलीव्स, सी हो गया कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इमोशंस, और यहाँ से फिर बीमारियाँ शुरू, फिर उसको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होंगे, अपसेट होंगे, गुस्सा आएगा, फोबिया होगा, जो भी कुछ होगा। क्योंकि होता क्या है कि ये जो देखा कि वो दोस्त उधर से क्रॉस हो रहा है, आँखों से देखा, अंदर गया, हमारा क्या है अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है मतलब सेंसरी, बाहर से सेंसरी जब अंदर जाते हैं सब सेंसरी इवेंट्स इंपल्सेस, वो गए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, थॉट की जगह कौन सी है, थॉट सेंटर कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में गए, वहां से वो लिम्बिक सिस्टम में गए, अंदर ब्रेन में, लिम्बिक सिस्टम ये इमोशनल सेंटर है, इमोशन भावनाओं का ब्रेन है वो, वहां गए, फिर वहां से फिर पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाती है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, फिर वहां से धड़कन बढ़ेंगी, हाथ कांपना, पसीना आना वो शुरू हो जाएगा, घबराहट, बेचैनी, नींद आना सब शुरू हो जाएगा सिंपथेटिक ओवर एक्टिविटी से। इसमें आदमी फंस गया, अभी इसका क्या करना है। तो अभी मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसी तकलीफ क्यों हो रही है। हम दवा से क्या करते हैं, दवा से जो बॉडीली सिम्टम्स हैं वो हम ठीक कर देते हैं। नींद नहीं आती तो नींद के लिए दवा दो, हाथ कांपते तो उसके लिए दवा दो, घबराहट है तो शांत होने के लिए दवा दो, बॉडी रिलैक्स होने के लिए दवा दो, सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं दवाई देके, मेडिसिन देके। वो आधा काम करेगी, 50%, 50% काम दवाई करेगी। 50% क्या है, 50% दिमाग में आपको ट्रीटमेंट करना है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें आपने क्या करना है, जैसा मैंने बोला, ए एक्टिवेटिंग इवेंट, ए, बी हो गया बिलीफ, सी इमोशंस या कॉन्सिक्वेंसेस, अभी है डी मतलब है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट करना, डिस्प्यूट करना मतलब डिबेट करना, वाद विवाद करना, इंक्वायरी करना। अभी यहां एक तो काउंसलर के पास में जाना चाहिए वो व्यक्ति ने, तो आप काउंसलर के पास में जाते हो और वहां डिस्प्यूट करके अपना इलाज करते हो सीबीटी से, नहीं तो घर के घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। और वो क्या है कि भाई आपने वो जो डिसफंक्शनल थॉट है पहला वाला, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिसफंक्शनल थॉट, वो व्यक्ति सामने से आया, मैं इधर से जा रहा हूं, पहला थॉट आ गया कि वो मुझे निगलेक्ट कर रहा है, पहला थॉट आ गया उसने मुझे निगलेक्ट किया, देखना आइडेंटिफाई करना है पहला कौन सा थॉट आ गया, या आजकल बहुत वो अहंकारी बन गया है, पहला कौन सा थॉट आ गया, तो वो थॉट पहले आइडेंटिफाई करना है। तो पहला थॉट फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो मुझे निगलेक्ट कर रहा है, ओके लिख लो कि मेरा पहला थॉट जो शुरुआत हो गई यह सब चालू हो गया, फर्स्ट थॉट वो है कि वो मुझे निगलेक्ट कर रहा है। अभी इसको डिस्प्यूट करना है, डिबेट करना है, वो क्या है, वो ये है कि क्या यह जो थॉट है यह पहला डिसफंक्शनल थॉट क्या वो सच है, क्योंकि हमको लगता है कि वो सच है, मुझे लगता है मतलब वो पेशेंट है मैं समझो, तो मुझे लगता है कि वो सच है, वो ट्रूथ है कि वो मुझे निगलेक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि वो जो थॉट है वो सत्य है। एक ही थॉट मुझे आता है, कौन सा, शुरू में पहले वो मुझे निगलेक्ट कर रहा है, तो ट्रू वो एक
ट्रू थॉट है, ओनली थॉट है, एक ही थॉट आता है और वो है, वो सही थॉट है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इट इज द राइट थॉट, ओनली थॉट एंड ट्रू थॉट, एक ही थॉट है, सही है और वो मैं सही हूं और एक ही है, वो सत्य है, ऐसा मुझे लगता है। उसको क्वेश्चन मार्क देना है, क्या यह सच है, क्या यह सत्य है, क्या यह एक ही थॉट हो सकता है कि और भी थॉट आ सकते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि उसने मुझे देखा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, इसका मतलब मैंने निकाला कि वो निग्लेक्ट कर रहा है, मैंने एक मीनिंग दिया, मैंने उसका इंटरप्रिटेशन किया, मैंने उसको स्टोरी दिया, क्या यह सही है कि और भी उसके कोई अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। सोचो, हाँ वो अलग अर्थ निकल सकते हैं, वो ये है कि शायद वो अपने टेंशन में होगा, अपने स्ट्रेस में होगा, इसलिए उसका ख्याल नहीं होगा। हो सकता है कि उसको पेट में बहुत ज़्यादा जोर से, एक मजाक की बात बता रहा हूँ, कि लैट्रिन लग गई है और उसको जल्दी जल्दी घर जाके दौड़ के अपने को, मतलब पेट खराब है तो उसको लैट्रिन लगी है ना, तो उसको लैट्रिन जाना है। हो सकता है कि उसको कहीं तभी मेडिसिन जाके पहुँचाना है घर में, कोई सीरियस होगा तो। हो सकता है कि उसका सचमुच ख्याल नहीं था। कितने सारे अर्थ निकल सकते हैं, कितने सारे अर्थ निकल सकते हैं। हो सकता है कि उसको दाहिनी आंख जो उसमें प्रॉब्लम है आजकल दिखता ही नहीं दाहिनी आंख से, इसलिए वो, या राइट साइड का दिखता नहीं, उसको बीमारी आ गई। हो सकता है कि आपने जो नमस्ते किया उसने देखा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने खड़े रह के देखते भी नहीं है किसको, सामने आने के बाद में भी देखते नहीं है, क्योंकि हम अंदर घुसे में रहते हैं, अपने फिराक में, अपने टेंशन में। तो क्या मुझे ये थॉट जो आया शुरुआत में वो सत्य है, एक ही थॉट है, सही है? नहीं, उसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, वो सही नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजी होगा, वो टेंशन में होगा, वो स्ट्रेस में होगा। अरे वो स्ट्रेस में हो सकता है, वो टेंशन में हो सकता है, फिर तो मैंने उसको मदद करनी चाहिए थी, मैंने उसको रोक के पूछना चाहिए था, अरे क्या हो गया, मैंने नमस्ते किया, तूने नमस्ते नहीं किया, हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसको पूछना चाहिए था, अरे क्या हो गया, मैंने तो अपने दिमाग में कुछ तो भी उसका अर्थ लगा लिया। तो फिर हम उसको, पहला डिसफंक्शनल थॉट है उसको आइडेंटिफाई करना, और कितने थॉट हो सकते हैं वो देखना, और फिर जो थॉट आपको पावर देता है, आपको एम्पावर करता है, वो थॉट लेना, ताकि बाकी थॉट जो है चेन ऑफ थॉट वो खत्म हो जाएगी। हो सके तो आप उसको पूछ भी सकते हैं जाके, क्यों रे भाई, मैंने कल आपके तरफ देखा, नमस्ते किया, आपने किया नहीं है नमस्ते, तो मुझे बहुत बेकार लगा, क्या हुआ था, आपने देखा नहीं मेरे तरफ। आप पूछ सकते हैं उनको, क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको रियलिटी समझेंगे ना, रियलिटी में क्या हो गया, आपने तो रियलिटी पूछी नहीं, रियल में क्या हुआ तो पूछा ही नहीं। आप कभी किसको फोन करते हो, वो फोन उठाता नहीं है, आप उसका अर्थ लगा लेते हैं कि मेरा फोन उसने उठाया नहीं, इसका मतलब वो आजकल मुझे डांट रहा है, उसका फोन खराब था, उसको रिंग आई नहीं, उसका फोन और कहीं कमरे में रखा हुआ था, उसका फोन साइलेंट में था। कितने सारे अर्थ निकल सकते हैं, और हमने क्या अर्थ निकाला, उसने मेरा फोन उठाया नहीं, उसने मेरे को टाल दिया। तो ये CBT में क्या होता है कि आपको घर में बैठे बैठे इलाज करना है। क्या होता है कि अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, एंग्जाइटी है, अभी कितने भी आपने मोटिवेशनल वीडियो देखे, कितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस सुने, कुछ फर्क होता नहीं है, क्योंकि वो जो रूट कॉज है, जड़ है, वहां जाना पड़ता है। और ये जो CBT है वो दवाई जितनी काम करती है ना, कभी कभी उतनी ही या उससे ज़्यादा अच्छी काम करती है CBT, दवाई से भी ज़्यादा। कभी ऐसा होता है कि दवाई काम नहीं कर रही मगर CBT काम कर रही है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काम कर रही है। क्या होता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच देते हो, मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, तो जैसा गोबर के ऊपर आपने पेस्ट्री डाल दिया, तो ऊपर से दिख रही पेस्ट्री, अंदर से है गोबर, पेस्ट्री हाँ अच्छा है, बहुत ही बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, मगर अंदर से गोबर है, क्योंकि वो जो जड़ है, जड़ में जो बैठा हुआ है, क्या है, निगेटिव थॉट, डिसफंक्शनल थॉट, निगेटिव मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, स्टोरीज। तो वो स्टोरीज निकालना जरूरी है, वो स्टोरी कौन सी, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और वो आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ए मैंने बोला एक्टिवेटिंग इवेंट, बी मैंने बोला बिलीफ, विचार जो अपने मेमोरी बैग में है या अपने थॉट्स हैं, सी मतलब कॉन्सिक्वेंस है या इमोशंस है, डी मतलब डिबेट है, और वो यदि करेंगे तो आपको इफेक्ट बिहेवियर के ऊपर अच्छा आएगा, उसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। आप फोन करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ, तो ये चेन ऑफ थॉट्स जो है निगेटिव, वो तोड़ेंगे, आपको फायदा हो जाएगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम ये करते हैं, तो आप खुद करो, या फिर आपको इसके बारे में कुछ और समस्या होंगी या नहीं होता होगा, तो फिर आप आपके साइकोलॉजिस्ट को, आपके साइकोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं।
आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये साइकोथेरेपी के बहुत सारे टेक्निक हैं, मतलब इसमें से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक लगा, इसलिए मैंने ये विस्तृत में टेक्निक आपको बताया। ये आप सुनो, ये वीडियो आप बार बार घुमा फिरा के बार बार घुमा और देखो, पूरा याद करो और देखो कि ये शुरुआत कहाँ से हुई और अभी मैं मीनिंग कैसा अच्छा दे सकता हूँ। क्योंकि अपने लाइफ में वातावरण में जो भी हो रहा है उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, जो हम बोलेंगे वो मीनिंग है। हम उसका अच्छा भी मीनिंग लगा सकते हैं, बुरा भी मीनिंग लगा सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट हम बुरा मीनिंग लगाते हैं और सफर होते रहते हैं। तभी आज से ये देखना है कि मैं कभी भी जो मीनिंग, और मीनिंग तो लगाना ही है हमने क्योंकि हम इंसान हैं, व्यक्ति है, तो मीनिंग लगाना है क्योंकि हम एक मशीन है कि जो कंटिन्यूस मीनिंग लगाती रहती है। अभी मेरे को ये सजग होना है कि भाई मैं मीनिंग तो लगाने वाला हूँ क्योंकि मैं एक मशीनरी हूँ, मैं इंसान हूँ, तो फिर मीनिंग लगाना ही है, तो फिर मैं अच्छा मीनिंग लगाऊंगा, पॉजिटिव मीनिंग लगाऊंगा। और फिर समझो मीनिंग लगाना ही नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं निगेटिव नहीं है, तो एक्चुअली रियलिटी में क्या है वो जान के दूंगा ना, जान लूंगा ना कि भाई रियलिटी में क्या हुआ, उसको उससे बात करेंगे ना, पूछेंगे उसको, और उसको पूछ के जो भी है वो करेक्शन कर लेंगे, रादर देन अपने दिमाग में घुस के उसका मीनिंग लगा कि डिप्रेस हो रहे हैं, एंग्जाइटी पैनिक अटैक आ रही है। तो हरदम हम रैशनली सोचेंगे। डिबेट में क्या होता है, रैशनल थिंकिंग, क्या ये पैनिक अटैक मुझे आ रहा है, बहुत ही पैनिक में हो रहा हूँ, क्या ये सही है? मैंने अभी तक 2 बार 3 बार कार्डियोग्राम निकाला है, सब टेस्ट मैंने की हुई है, सब तो ठीक है, सब डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि इसमें कुछ भी पड़ा नहीं है, आपको कुछ भी शारीरिक बीमारी नहीं है। तो मैं ये कंडीशनिंग हुई ब्रेन का, और कंडीशनिंग से ऐसा करना हूँ, मेरे को डीकंडीशनिंग करना पड़ेगा। ये जो फोबिया है कि भाई दरवाजे बंद कर दिए, बंद कमरा है, उसमें बहुत डर लग रहा है कुछ हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा, कुछ तो भी होगा, क्या सही है कि मेरी कंडीशनिंग हुई है? ये आपको डिबेट करना है, और आप डिबेट करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, उसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। तो आप इस तरह से आपका इलाज करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।